तो दोस्तों अमेज़ॉन फ्लेक्स के साथ अगर आप काम करते हो, नहीं तो अमेज़ॉन डिलीवरी में काम करते हो, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम ज़रूर आएगा कि बैड स्कैन। बैड स्कैन अमेज़ॉन फ्लेक्स और अमेज़ॉन डिलीवरी में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर आप किसी और फ्लिपकार्ट वगैरह में काम करते हो तो ये बैड स्कैन का सिस्टम नहीं रहता है, लेकिन अमेज़ॉन में ये सिस्टम है बैड स्कैन। बैड स्कैन क्या होता है दोस्तों? अगर कस्टमर का एक लोकेशन है, वहाँ पे आप डिलीवरी करते हो और वहाँ पे वो अपडेट नहीं होता है, मतलब आपका वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन स्लो होता है, नहीं तो वीक होता है, तो वहाँ पे अपडेट नहीं होता है, दूसरी जगह पे अपडेट होता है, तो वो हो गया बैड स्कैन। तो कस्टमर के लोकेशन में ही अपडेट होना चाहिए, उस समय आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। ओके, तो ये होता है एक बैड स्कैन। और एक टाइप का बैड स्कैन होता है जो आपके पहले कोई उस कस्टमर का डिलीवरी करके जाता है, वो दूसरी जगह पे अपडेट कर देता है ऐसे वीक इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। ओके, तो क्या होता है कि वो कनेक्शन वहाँ का एड्रेस ले लेता है और आप एक्यूरेट कस्टमर के घर पे जाते हो तो वो एड्रेस नहीं लेता है। तो उसी लिए एक सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन है अमेज़ॉन ऐप पे, यहाँ पे देता हूँ। अमेज़ॉन ऐप में फीडबैक करके ऑप्शन रहता है डिलीवर पहले प्रोडक्ट कर देने का। ओके, फीडबैक में जाने का, कस्टमर का पहला जो एड्रेस रहेगा आपने अभी अभी डिलीवर किया वो ऊपर आएगा, उस पर क्लिक करने का। क्लिक करने के बाद उसका लोकेशन वहाँ दिखेगा जो पहले डिलीवर हुआ, तो आपके लोकेशन पे उसे ट्रैक करने का। ट्रैक करने के बाद डन करने का, डन करोगे तो वो आपका फीडबैक ले लेगा और वो आपके लिए बैड स्कैन नहीं आएगा। तो ये दूसरे टाइप का बैड स्कैन होता है। और एक टाइप का बैड स्कैन होता है दोस्तों, ये बैड स्कैन तब आता है जब आप कस्टमर को पहले ही मतलब दूर से कॉल करते हो, सर आप हो घर पे, मैं आ रहा हूँ आपका प्रोडक्ट लेके, तो वो बोलते हैं नहीं मैं नहीं हूँ, तो वो वहाँ से अपडेट कर देता है कि कस्टमर नॉट अवेलेबल। तो वो जो मैप है मतलब लोकेशन लेता है, तो वो वहाँ लोकेशन ट्रैक हो जाते, तो उस टाइप में भी आपके बैड स्कैन आने की संभावना बढ़ती है। तो उसलिए आपके जितने भी जो बैड स्कैन आते हैं ना, तो ये तीन रीजन से आते हैं बैड स्कैन। तो आपको ज़्यादातर क्या करना है, कस्टमर के लोकेशन पे रिफ्रेश करना है, और दूसरा मैंने अभी जो बताया वीडियो, तो उसका जो रॉन्ग लोकेशन होता है कस्टमर का और आप सही लोकेशन पे हो तो फीडबैक देना है। तीसरा, कस्टमर के घर जाकर ही आपको कॉल करना है, कस्टमर को अगर नहीं है घर पे तो पहले दूर से कॉल करके अटेम्प्ट करोगे तो आपके बैड स्कैन आने की संभावना बड़ी रहेगी। ओके, तो ये वीडियो इसलिए बनाया कि बैड स्कैन बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि यार बैड स्कैन कैसे कम करें। तो अच्छी इंटरनेट कनेक्शन रखना, कभी नेट बंद मत करना डिलीवरी करते समय, तो आपके बैड स्कैन आने के चांसेस बहुत कम रहेगी। और फीडबैक देते रहो और कस्टमर के घर पे जाकर ही डिलीवर करो, और अटेम्प्ट भी करना है तो भी घर पे ही करो। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो यार ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा देना। तो बाय, टेक केयर।